देवी खा गई 130 क्विंटल गेहूं, कोटेदार ने किया पूरे माह का राशन हजम, छीना गया गरीबों का हक। देवी खा गई 130 क्विंटल गेहूं, कोटेदार व प्रधान के मिली भगत से हुआ गमन। और शामली से राथू ब्लॉक के ग्राम पंचायत गंभीरा पूर्व के कोटेदार पूरन बहादुर मौर्य द्वारा अक्टूबर का राशन नहीं बांटा गया। लोगों को सितम्बर माह में ही मना कर दिया गया था कि अगले महीने राशन लेने मत आना, तथा कुछ लोगों से सितंबर महीने में ही अक्टूबर माह के वितरण रजिस्टर में भी हस्ताक्षर करा लिया गया था और राशन के लिए मना कर दिया गया था। लोगों को राशन न मिलने की वजह थी देवी माँ। देवी माँ के नाम पर पूरे महीने का राशन हजम कर लिया गया। ना दिन का पूर्वा मजरा गंभीरा पूर्व के लोगों ने दिखाया कि राशन कार्ड की जगह कापी में राशन चढ़ाया जा रहा है, तथा 4 तथा 5 यूनिट में सिर्फ 5 किलो गेहूं मिलता है। लोगों द्वारा ये भी जानकारी मिली कि प्रधान पुत्र व प्रधान का भतीजा दोनों मिलकर कोटा चला रहे हैं। प्रधान के भतीजे के नाम कोटा, जिससे प्रधान पुत्र अपने मकान में ही राशन का आवंटन कराता है, जिससे प्रधान व कोटेदार की मिली भगत सामने आ रही है। जांच के उपरांत ताला अधिकारी कर रहे मनमानी। और शामली से विकास गौतम की रिपोर्ट। अब उनका पकड़ के लोगों को करो थोड़ा थोड़ा। दादा आपको यह बताना है, राशन कार्ड की जगह कॉपी वाले भी बता। दादा गेहूं लेने गए थे राशन? गेहूं हाँ लेने गए थे। क्या हुआ? दिया उस महीने में, इस महीने का हमसे दस्तखत कर, अगर आपकी खुशी है तो आप अपना राशन देवी जी में दे दो, देवी माता को। हाँ, और ये कॉपी ये यही राशन कार्ड है? हाँ यही राशन कार्ड है, बना के दिया है। और राशन कार्ड कहाँ? राशन कार्ड जमा करा लिया है आज कई महीने में, जब कॉपी बनी है। ये कॉपी है राशन कार्ड आपका? सभी के बनाए थे, हमारी पूरे गांव का। हाँ, और जो देवी माता वाला है सब पूरे गांव का? ना हम अकेला, दूसरे को नहीं बता सकते भाई। सबसे लिया जो हमसे कहा वो हम बता दिए साफ साफ। नाम बता दीजिए अपना। हमारा सीताराम सिंह नाम है। सुना है कि ये महीने का राशन यहाँ गांव वालों को नहीं दिया जा रहा है, कह रहे हैं कि देवी जी में चढ़ाना है। अरे कुछ देवी जी में चढ़ा दी, कुछ बेच दी, सो में क्या दिक्कत है? जब हम खुद फोन किया, हमसे बताए कहे बिहान डुग्गी पिटवाई, आज 15 दिन हो गए ना डुग्गी पिटवाई, ने कहो को रसने दी और पूरा कहा मैं देवी जी में दे दी हूँ। देवी जी में राशन क्यों जा रहा है? देवी जी खाती हुई है तब तो राशन जाते, अपन गाँव फूलत नहीं, देवी जी की गाँव फूलावे चले। एक बंद कर दो 2 मिनट। ये गांव में जितने पूर्वा हैं और जितने भी गांव सुन रहे हैं, आजकल देवी जी को राशन जा रहा है? हाँ, क्या पूरा माजरा है, क्या है? देवी जी राशन खा रही, क्या है ये सब? अभी तो कोटेदार जाने, गांव का प्रधान जाने, जो उन प्रधान के अंदर में कोटा है वह समझे। है क्या? आपको भी नहीं दिया गया? किसी को नहीं दिया गया तो हमको कहाँ से देगा? पूरा मामला क्या है, कुछ बताएंगे विस्तार? अरे भाई हमने फोन किया, हमसे कहा राशन मिलेगा, इसके बाद डुग्गी पीटी खाली तेल की। हाँ, खाली तेल भर दिया, उसमें बोला बढ़ा के देंगे, किसी को 28 का किसी को 29 का तेल दिया। राशन के लिए बोला सबका देवी जी में जाएगा। तो राशन नहीं दिया? राशन किसी को नहीं दिया। अपना नाम बता दीजिए। कप्तान सिंह। हाथ ये वाला नीचे करो जी। क्या है, राशन नहीं मिला आपकी महीने? नहीं मिला राशन। का कहा थी? का थी देवी माँ में चढ़ा हुआ राशन, ये महीना का राशन नहीं मिली, कोई को न मिली, दस्तक सब करा ली नहीं, और 5 जने में 5 किलो राशन मिला थे बस। सब देवी जी में चढ़ा? सब देवी जी में चढ़ाव, चाहू खा का चाहे बेचत हो, कहूँ को देखा जाते का कि का गिरा दे। तो किसी अधिकारी से आपने शिकायत नहीं करी? को नहीं करा शिकायत, अब तो शिकायत अब आए हो तो शिकायत करी थी, नहीं कहा जाइए शिकायत कर, का कुछ जानी थी का कहा जाइए हम शिकायत कर। अपना नाम बता दीजिए। अनीता देवी। बउआ रुक जा भाई। अरे अबे पान खाए
मोदी तक जरूर दे। तीन मिनट दो मिनट चल जाए भाई बहुत है। हो जाता है तो मैडम नादिन का पुरवा गांव है जहां पर ग्रामीणों को राशन नहीं दिया जा रहा है, वहां पर देवी को चढ़ावा चढ़ावा जा रहा है, इस मामले में क्या कार्रवाई है? एक्चुअली ये ब्लॉक सिराथू का एक गांव है नादिन का पुरवा, वहां से एक शिकायत आई है कि राशन नहीं बांटा जा रहा है, बाकी लोगों के हस्ताक्षर करा लिए गए हैं। तो हम कल की डेट पर अपनी एक टीम भेजेंगे जिसमें पर्यवेक्षणी अधिकारी होंगे और सप्लाई संबंधी सप्लाई इंस्पेक्टर होंगे। मौके पर जाके वो जांच करेंगे और जो भी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अगर ऐसा प्रकरण पाया जाता है कि किसी को राशन नहीं दिया गया है तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी इस मामले में।